एवरी वन वेलकम टू वाई स्टॉक रिसर्च मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज एयर सो ट्रेडर्स मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है एंड मार्केट बहुत फ्लो के अंदर ऊपर जा रही है सो so, इस टाइम पे जो सारा डायरेक्शन है वो अपसाइड के अंदर ही है मार्केट ने थोड़े दिन कंसोलिडेट भी किया एक रेंज के अंदर एंड देन उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया सो so, इस टाइम पे मार्केट के लिए जो जोन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो ऊपर की साइड पे है मार्केट नीचे जा रही है बट कोई कंटिनेशन नहीं दे रही है एंड ऊपर जा रही है तो कंटेनशन मार्केट ने फाइनली दे दिया तो जो वॉलीडिलिटी थी थोड़े दिन से वो मार्केट ने एक्सपैंड कर दिया है नेक्स्ट लेवल्स बनाने के लिए ओके okay. अब मैंने फ्राइडे को ट्रेडिंग नहीं की थी मैं अवेलेबल नहीं था हेड uh, फीवर तो मैंने उस टाइम पे ऑफ ले रखा था इसी वजह से मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को कोई अपडेट्स सच दिए नहीं थे ओके सो नाउ अब अपना प्लान क्या रहेगा उसको समझते हैं देखो एंड जो लोग मेरे से पूछते हैं कि सर अगर ट्रेडिंग करनी होती तो उस कैसे करते क्या करते तो उसका एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण यहाँ समझा देता हूँ आप जब भी मार्केट्स में ट्रेड करते हैं ये तीन लेवल का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा प्रीवियस डे क्लोज प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो अब अगर आप इस दिन को मैं यहाँ पर मार्क करूँ ये दिन क्या है ये है प्रीवियस डे हाई मार्केट ने क्या किया एक गैप अप ओपन हुई है ओके तो जब भी मार्केट गैप अप ओपन होती है कुछ होती है तो हम इसको एक जो गैप होता है अगर वो ऊपर हो रहा है ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है तो हम उसको एक बाइंग स्विंग मान के लेके चलते हैं राइट अब ये मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल बनाई है अब अगर यहाँ पर मार्केट ऐसे करके नीचे आता तो हम एक सेल प्लान कर लेते इधर बट मार्केट ने ये चीज़ नहीं की मार्केट ने इधर बनाया डब्ल्यू इधर आपका बाय प्लान था इस पे या इधर आप अपना एग्जिट प्लान कर सकते थे ओके okay, बस ये अपना प्लान था यहाँ पर और राइट right. और यही सेम चीज़ मैंने मेरे डिस्कॉट सर्वर में भी लोगों को बताई थी बाद में जब लोग मेरे से पूछ रहे थे किसी के एसेल हिट हुए थे कुछ हुआ था तो मैंने एक चीज़ समझाई थी कि आपने बस प्रीवियस डे हाई के ब्रेक्स या फिर रिजेक्शन्स को प्ले करना है अगर गैप अप्स होते हैं तो और गैप डाउन होते हैं तो प्रीवियस डे लो के रिजेक्शंस को प्ले करना है ओके okay. अब समझते हैं अगला प्लान अब देखो अगला प्लान क्या है अगर अपने को कोई डिप मिल जाए यहाँ तक या यहाँ तक ओके okay, यहाँ पर आ जाए या यहाँ पर आ जाए तो इन दोनों जोन्स पे डब्ल्यू पैटर्न की वेट करनी है और अपने को क्या करना है यहाँ पर बाय प्लान करना है सिंपल प्लान है मार्केट ऊपर है डिप मिल जाए तो क्वांटिटी अच्छी बढ़ा पाएंगे एंड अच्छा ट्रेड ले पाएंगे अगर प्राइस ऊपर जाती है अब प्रॉब्लम ये है कि ये ऊपर है अनचार्टेड टेरिटरी मतलब आज तक ये टेरिटरी कभी आई नहीं है तो कैसे बिहेव करेगी क्या करेगी और ऊपर फिर बाईस भी है तो ये क्या कोई रेजिस्टेंस देगा क्या देगा या कल एक बड़े गैप अप में निकल जाए बाईस हज़ार आई डोंट नो ठीक है तो अपने को क्या करना है पहले एक स्विंग आने दो कोई भी स्विंग आएगा कैसा भी होगा एक मार्केट में एक मूव आने दो पहले तीस मिनट का चालीस मिनट का जो भी एक फर्स्ट मूव आने दो उसके बाद प्राइस को थोड़ा सा साइडवेज या कुछ होने दो और फिर ब्रेकआउट देने दो जैसे ही ब्रेकआउट देते हैं यहाँ पर आपका एक बाय प्लान बनेगा अगर हमें ये ट्रेड लेना है तो ओके okay. अगर डिप मिल जाती है देखो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है डिप मिल गई तो तो बेस्ट है जो लोग यहाँ पर घुसे थे या यहाँ घुसे थे वो कवर करेंगे हम जैसे लोगों को जो प्लान कर रहे हैं उन लोगों को बेटर फील मिलेगा एंड और जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी बेटर फील मिलेगा यहाँ पर क्योंकि मार्केट अप है और अगर इन प्राइसेस से मिल जाए इन प्राइसेस से मिल जाए कुछ भी अच्छे प्राइसेस से मिल जाए तो कोई बाय क्यों नहीं करेगा सीधी सी बात है आईफोन अगर नब्बे हज़ार रुपये का और अभी आपको फिफ्टी फोर का मिल रहा है फिफ्टी फाइव का मिल रहा है तो आप उसको एक अपॉर्चुनिटी लोगे एंड देन यू विल ट्राई टू बाय इट राइट सेम विद मार्केट्स तो यहाँ पर सारा ऑक्शन प्रोसेस है डिमांड सप्लाई की सारी गेम है अगर कोई गैप डाउन हो जाता है तो आपने इन दोनों लेवल्स का ध्यान देना है ट्वेंटी वन एट फिफ्टी एंड देन ट्वेंटी वन एट ट्वेंटी फाइव ओके ये दो लेवल पे अगर अपने को मार्केट मिलती है तो अपन ट्रेड करेंगे मान लो यहां गैप अप होता है 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 एक स्विंग आता है, डिप लेके फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो यहां पर भी अपन बाय प्लान कर सकते हैं सो so, गेम सारी बाय की है सेल प्लान अभी नहीं करूंगा मैं और अगर सेल का एक मुझे प्लान करना पड़ा तो उसका क्या तरीका होगा मैं बताता हूं अगर प्राइस ऊपर जाती है डिप देती है नीचे आके ऐसा कुछ बनाती है तब मैं अपना सेल प्लान करूंगा नहीं तो आई विल नॉट बी प्लानिंग एनी सेल्स ओके सारी मार्केट बाय है तो यहाँ पर फेवर भी सारा बाय का है मेरा ओके okay? एंड मेरी स्विंग पोजीशंस भी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं अगर मैंने जो फ्राइडे को ट्रेड भी नहीं लिया तो मेरा जो कवर अप है वो उन जगहों पर हो रहा है तो उस वजह से मेरे को इतनी ऐसी हबड़ी तबड़ी भी नहीं है कि बस मुझे उठाना ही उठाना है मार्केट के अंदर कुछ ऐसा नाटकबाजी करनी है तो ऐसा कुछ नहीं है अगर ट्रेड आएगा तो अपन ट्रेड लेंगे ट्रेड नहीं आएगा तो अपन वेट करेंगे ओके और आप लोगों को भी ये चीज़ नहीं चाहिए इसी वजह से कुछ अमाउंट जो है अपना कैश ट्रेडिंग में भी डालिए जिससे अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं अगर आप उसमें कोई अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है कुछ हो रहा है तो स्विंग ट्रेड्स में अगर आप पैसा कमा पा रहे हैं तो एटलीस्ट जो इंटरडेट ट्रेडिंग में आपका एक डेस्पिरेशन लेवल है वो थोड़ा कम हो हैक्स कि आप कैसे ओवर ट्रेडिंग और ये सब चीज़ें रोकेंगे अपनी स्टॉप करवाएंगे अपने आप से क्योंकि ये हम लोग ना सब अलग अलग सांचे वाले लोग हैं किसी के लिए कुछ काम करता है किसी के लिए कुछ काम करता है तो देर इज़ नॉट वन सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम डिफरेंट पीपल डिफरेंट सोल्यूशंस डिफरेंट प्रॉब्लम्स ओके सो ना ये हो गया अपना इसका प्लान अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की बैंक निफ्टी ने अल्टीमेटली अगर आप ध्यान देंगे इसने अपना कोई ऑल टाइम हाई या कुछ ब्रेक नहीं किया है बट अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस जोन पे क्या बनाया है एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और अगर आप इसमें वॉल्यूम पुट करेंगे बैंक निफ्टी का फ्यूचर डालोगे और वॉल्यूम देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम रिड्यूस हुई है और इधर वॉल्यूम इंक्रीज हुई है ओके अब इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि इन जोन्स पे एक्यूमिलेशन की जा रही थी एंड यहाँ पर अगर कोई गैप अप हुआ कुछ हुआ तो एक बड़ा मूव आएगा ओके तो ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी का आने वाला है वो आपका सबसे पहले तो फोर्टी आएगा जो माइनर होने वाला है उसके बाद फोर्टी एंड देन 48 एट थ्री हंड्रेड एंड देन फोटी एट फोर हंड्रेड ये सारे के सारे रेजिस्टेंसेज हैं जिन पे हम ध्यान देंगे और जो हमारे पोटेंशियल टारगेट्स भी होंगे अगर निफ्टी क्रॉस कर रही है अपना ऑल टाइम हाई तो बैंक निफ्टी का भी एक प्रेफरेंस हो सकता है अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली बात है अब मैंने एक छोटा सा एनालिसिस किया था निफ्टी के स्टॉक्स में निफ्टी मतलब बेसिकली ऑल स्टॉक्स के अंदर तो उसके अंदर जब मार्केट ने लास्ट टाइम हाई मारा था या फिर इधर थी या इधर थी उस टाइम पे कम से कम ऑलमोस्ट आप लेके चलो कि 70 टू 80 परसेंट स्टॉक्स जो थे वो अपने ए मार रहे थे या फिर अच्छा खासा मूव ऊपर का दे रहे थे बट अब जो मार्केट ने अपना हाई क्रॉस किया है तो वो जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो गई है ऑल तो ये एक प्रॉब्लम है मे बी आई डोंट नो वो आगे मार्केट बताएगी क्योंकि यहाँ पर बैच ऑफ स्टॉक्स ऊपर भाग रहे थे और अब वो बैच ऑफ स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं या उस उस हिसाब से मूव नहीं कर रहे हैं तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है मार्केट की वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है बहुत छो एक बहुत माइनर पार्ट है मैं नहीं बोलूँगा जाके शॉर्ट कर दो कुछ कर दो बट अगर डिप मिलती है कुछ मिलती है तो मुझे लगता है वहाँ पर स्ट्रेंथ दोबारा बिल्ड होगी एंड देन एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दोबारा से मार्केट और दे सकती है तो जो लोग रुक के ट्रेड करना चाहते हैं तो आप अपने डिप्स की वेट करें ओके सो यहाँ पर प्लान बहुत सिंपल है इधर ये जो जोन्स हैं सारे यहाँ पर आपको अगर डिप मिलती है डब्ल्यू पैटर्न मिलता है दिस इज़ योर बाय जोन एंड इस जोन के पास अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देती है यहाँ पर आपके बाय जोन्स हैं ये 47,900 के जोन्स हैं और ये जो नीचे वाले हैं 47,750 के जोन्स हैं अगर इन सब जोस पे आपको कहीं बाय पोजीशन मिलती है तो आपने बाय लेना है मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है ये आप क्लियर अपने दिमाग में डाल लीजिए डायरेक्शन ऊपर है जो डिप होने वाली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी वैन इट कम्स टू योर बाइंग अपॉर्चुनिटी बिकॉज जब एक बार मार्केट भागती है ना वो अपॉर्चुनिटी देती नहीं है तो इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना है अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे मार्केट ने क्या किया है एक पुल बैक दिया है कल अगर जस्ट इन केस मार्केट यहाँ पर ऐसा कुछ एक डिप देती है यहीं पर क्लोज से ही नीचे डिप देती है और फिर एकदम से मार्केट क्या करते है? ग्रीन कैंडल बना के ऊपर निकल जाती है तो ध्यान देना ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा प्रीवियस डे का आप डेटा भी यूज़ कर सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न के लिए मॉर्निंग आवर के अंदर अगर मार्केट कुछ ऐसा कर रही है तो ओके तो इस चीज़ में अपना क्लियर रखिएगा अगर यहाँ कुछ ऐसा बनता है तो यू हैव टू प्लान योर बाइज योर और एस भी आपके बहुत छोटे रहेंगे बहुत ज़्यादा बड़े एस नहीं होने वाले हैं ओके सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए एंड मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें उसका जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है एंड अगर आप लोग हमारे डिस्कशन uh, ग्रुप्स में आना चाहते हैं आप लोग लाइक like माइंडेड लोगों के साथ अपनी ट्रेडिंग टॉक्स करना चाहते हैं एंड एक प्रीमियम कोर्स से कुछ सीखना चाहते हैं आप लोग डाउट्स अपने प्रॉपर तरीके से पूछना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वॉइस टॉक रिसर्च कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं छोटी सी रिक्वायरमेंट है आप वो फुलफिल करते हैं तो आप लोग अपना एक्सेस uh, वहाँ पर आपको मिल जाएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक्सेस लेना है क्या है तो आप मेरे को uh, uh, मेरी टीम को व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट डाल दीजिए आप वो आपको असिस्ट कर देंगे एंड देन यूल गेट टू नो द प्रोसेस ओके आई होप दिस सेल्फ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करिएगा जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है एंड इन वीडियो को और बेटर इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढे जाएंगे सो आई होप दिस सेल्फ आई विल वो इन द नेक्स्ट वन थैंक यू फॉर वॉचिंग